करीब 13 दिन बीत जाने के बाद भी इजराइल हमास के बीच की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लाखों लोगों की जान पर 2400 घंटे खतरे की तलवार लटक रही है। इजराइल और हमास के नागरिकों का ये तक पता नहीं कि वो अगली सुबह देख भी पाएंगे या नहीं। हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। हालांकि कई देश दोनों पक्षों से युद्ध रोकने की लगातार अपील कर रहे हैं, वहीं ईरान, जॉर्डन, लेबनान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में खड़े हैं, तो पश्चिम देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने तो अपने हथियारों से लैस डिफेंस कार्गो प्लेन तक इजराइल में भेज दिए हैं। यही नहीं, अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहाइवर कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप को तैनात किया है। इन दोनों ही युद्ध पोतों पर अमेरिका के हजारों कमांडो, दर्जनों फाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइलें और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। इनकी ताकत इतनी है कि चाहें तो चुटकियों में किसी भी देश के पसीने छुड़ा सकते हैं। दूसरी ओर भूमध्य सागर में अमेरिका की ऐसी हलचल देख रूस भी चौकन्ना हो गया है, जिसके जवाब में रूस ने ब्लैक सी में अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है, जिसे भेद पाना भी कोई आसान काम नहीं है। इसे ना तो ट्रैक किया जा सकता है और ना ही इस पर कोई हमला कर सकता है। इसकी ताकत इतनी बेमिसाल है कि ये दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आसानी से दिशा और गति बदल सकती है। किंजल से क्यों डरा हुआ है अमेरिका? नाम से भले ही ये कोई मामूली मिसाइल लगती है, लेकिन काम और मारक क्षमता ऐसी है कि नेटो में शामिल किसी भी देश के पास इस मिसाइल को रोकने की तकनीक नहीं है। नष्ट करना तो दूर, इसे ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। किंजल मिसाइल वार कैसे करती है? यह मिसाइल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। इसे जमीन या पानी में चल फिर रहे या फिर छुपे हुए टारगेट पर दागा जा सकता है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से 10 गुना तेज यानी 6100 से 12348 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर है, जो कि ब्लैक सी से भूमध्य सागर की दूरी से ज्यादा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में 480 किलोग्राम वजन का परमाणु या पारंपरिक हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस को उड़ाने में किया गया था। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच समर्थन की आड़ में दोनों देशों ने समुद्र में अपनी विनाशक शक्तियों को तैनात कर दिया है। लेकिन ऐसी ताकतों के साथ आने से इजराइल हमास का युद्ध थमेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।